लोगों के लिए आदर्श है कोरोना वॉरियर्स एसपी। मोरवा में कोरोना योद्धाओं का हुआ सम्मान। बीते 3 महीने में सिंगरौली जिला कोरोना के संक्रमण से बहुत हद तक सुरक्षित रहा, इसके लिए कोरोना वॉरियर्स बधाई के पात्र हैं। यह अन्य लोगों के लिए भी आदर्श है, यह कहना था सिंगरौली पुलिस अधीक्षक श्री टीके विद्यार्थी का। उन्होंने बताया कि कोरोना वॉरियर्स ने सही समय पर सूचना देकर कोरोना को फैलने से रोकने में अपनी अहम भूमिका निभाई है। यह इनकी परिश्रम का नतीजा है कि अनलॉक एक से पहले चरण में भी अन्य जगहों की अपेक्षा सिंगरौली जिले में संक्रमित लोगों की संख्या काफी कम है। यह सभी के लिए सौभाग्य की बात है। मोरवा में आयोजित कोरोना वॉरियर के सम्मान समारोह में शिरकत करने पहुंचे पुलिस अधीक्षक ने बताया कि जब लॉकडाउन प्रारंभिक स्तर पर था और पूरे देश में कोरोना के संक्रमण बढ़ते जा रहे थे, उस समय कोरोना वॉरियर्स की गतिविधियों के द्वारा जिले में संक्रमण पर लगाम लगाने के लिए उठाए गए कदम सार्थक रहे। अब जब अनलॉक एक समाप्ति की ओर है, इस समय कई छात्र मजदूर स्थानीय लोग पलायन कर जिले में आ रहे हैं, फिर भी यहां अन्य जगहों की अपेक्षा में संक्रमित की संख्या काफी कम है। इसके लिए गली मोहल्ले से लेकर ग्रामीण अंचलों तक बनाए गए कोरोना वॉरियर की भूमिका अहम है, क्योंकि उनके द्वारा जानकारियां उपलब्ध कराकर संचारक फैलने से रोकने का प्रयत्न किया गया है। वहीं लोगों को उद्बोधित करते हुए SDOP नीरज नामदेव ने कहा कि स्थानीय स्तर पर लोगों को पुलिस से जोड़कर कोरोना के खिलाफ लड़ने का अच्छा और सफल प्रयास किया गया। इसके लिए समय समय पर पुलिस अधीक्षक महोदय का निर्देश प्राप्त होता रहा, जिस पर तत्पर दिखाते हुए कोरोना की लड़ाई में हम जुड़े रहे। वहीं मंच संचालन कर रहे मोरवा निरीक्षक मनीष त्रिपाठी ने कहा कि कोरोना के खिलाफ लड़ाई में प्रशासन से ज्यादा लोगों की भूमिका रही है। उनके द्वारा दी जा रही सूचनाओं के आधार पर प्रतिनिधि के दिन बाहर आए लोगों को होम क्वारंटाइन किया गया, इससे हम कोरोना के खिलाफ लड़ाई में बहुत हद तक सफल रहे। निरीक्षक मनीष त्रिपाठी ने बताया कि कोरोना योद्धाओं ने घर से रोटी बनाकर लोगों की सेवाओं की है। जगह जगह लोग और राहगीरों को भोजन और व्यवसाय देकर उन्होंने मानवता का परिचय दिया है। उनका यह कार्य अतुल्य है। सम्मान समारोह के उपलक्ष्य में पुलिस अधीक्षक ने सभागार में उपस्थित सभी कोरोना वॉरियर को श्रीफल व गमछा भेंट कर सम्मानित किया। इस दौरान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक प्रदीप शिंदे, SDOP मोरवा नीरज नामदेव, मोरवा निरीक्षक मनीष त्रिपाठी, नवानगर थाना प्रभारी UP सिंह, यातायात प्रभारी रविंदर द्विवेदी, RI आशीष तिवारी, गोरबी चौकी प्रभारी सुधाकर सिंह परिहार समेत थाने का समस्त स्टाफ मौजूद रहे। टीम साहस का किया गया सम्मान। स्वच्छ भारत अभियान में लगे मोरवा के टीम साहस के लोगों का कोरोना काल में भी योगदान रहा है, इसके लिए पुलिस अधीक्षक द्वारा टीम साहस के युवाओं का सम्मान किया गया। स्थानांतरण का छलक दर्द। ठीक कोरोना काल से पूर्व जिले में स्थानांतरण होकर आए पुलिस अधीक्षक का कल स्थानांतरण आदेश आ गया। सिंगरौली जिले में उनका कार्यालय करीब 4 माह का रहा। सम्मान समारोह के कार्यक्रम में पुलिस अधीक्षक का दर्द छलक गया। उन्होंने कहा कि विभाग में आने और जाने की प्रक्रिया निर्धारित है, जिले में काम करने उन्हें अच्छा लगा। उन्होंने बताया कि अपने कार्यकाल के दौरान वे जहां गए वहां के लोगों से आज भी उनका आत्मीय और भावनात्मक जुड़ाव है। उन्होंने कहा कि वे लंबे समय तक जिले में सेवाएं नहीं दे सके, परंतु सिंगरौली के लोगों का उनका जुड़ाव हमेशा रहेगा। सिंगरौली से मनीष चौधरी की रिपोर्ट। अपने अपने जिलों में लौटने लगे। जब कोरोना संक्रमण जब सप्ताह से बढ़ रहा था, तो हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी थी कि कम से कम हम अपने सिंगरौली को, हम अपने मोरवा को महफूज रख सकें, वहाँ कम से कम कोरोना संक्रमण की स्थिति पैदा नहीं है। और ये सर्वविदित है कि जब भी हमारे जिले में कोरोना संक्रमण आएगा तो वहाँ से ही कोई जरूरी लेके आए, क्योंकि हम लोगों ने सारे बॉर्डर सील कर रखे हैं। मनीष त्रिपाठी जी, दक्षिण प्रदेश के आशीष त्रिपाठी तिवारी जी, हमारे यातायात प्रभारी श्री रावण त्रिवेदी जी, थाना प्रभारी नवानगर UP सिंह जी। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाना न भूलें, जिससे नई अपडेट आपको समय समय पर